Assalamualaikum students, I am your Urdu teacher, class 5th. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. आइए आज हम देखते हैं कि हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे. आप खोलेंगे सफ़ा नंबर 53. आज हम पढ़ेंगे कहानी नवीसी. ठीक है, कहानी नवीसी आपने इससे पहले भी कहानियाँ लिखी होंगी, लेकिन आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने खुद से कहानियाँ कम लिखी होंगी और आपकी टीचर ने आपको कहानी लिख के दी होगी जो आपने याद की होगी. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप खुद से कहानी कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, चले आइए पहले इसकी पढ़ाई करते हैं. कहानी सुनने और कहानी पढ़ने की तरह कहानी लिखना भी एक दिलचस्प सरगर्मी है. आप थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो से बहुत अच्छी कहानी लिख सकते हैं. कहानी लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखिए. नंबर 1, कहानी का अंदाज़े बयान दिलचस्प होना चाहिए. नंबर 2, कहानी के ज़रिए कोई अखलाकी नुक्ता ज़रूर पेश किया जाए. यानी कहानी वैसे ही ना हो कि भाई पढ़े जा रहे हैं उसका कोई मकसद ही नहीं है, उसके अंदर कोई अखलाकी नुक्ता होना चाहिए. ठीक है, नंबर 3, कोशिश कीजिए हर अखलाकी नुक्ता कहानी के आगाज़ में ही पेश ना कर दिया जाए, बल्कि कहानी इस अंदाज से लिखी जाए कि पढ़ने वाला कहानी का अंजाम पढ़कर खुद इस नुक्ते पर पहुंच जाए. मज़मून की तरह कहानी के भी 3 हिस्से होते हैं. जैसा कि बच्चों अपने मज़मून लिखना सीखा था तो उसके अंदर आपको बताया गया था कि मज़मून लिखने के 3 हिस्से होते हैं. ठीक है, इसी तरह इस मज़मून की तरह कहानी के भी 3 हिस्से होते हैं. उसमें सबसे पहले तारुफ होता है, फिर वाक़या होता है और उसके बाद अंजाम होता है. अच्छा, इधर मैं आपको एक बड़े काम की बात बताऊंगी कि मोस्टली चीज़ें जो हम लिखते हैं उनके 3 हिस्से होते हैं. जैसे हम ख़त लिखते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं, हम दरख्वास्त लिखते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं, हम मज़मून लिखते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं. इसी तरह जब हम कहानी लिखते हैं तो इसके भी 3 अहम हिस्से होते हैं जो आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेने चाहिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे तारुफ. ये इब्तदाई हिस्सा है, इसमें कहानी के किरदारों का तारुफ करवाया जाता है. मसलन, एक कछुआ और एक खरगोश दोनों एक जंगल में रहते थे. कछुआ बहुत सुस्त चलता था जबकि खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता था. अब देखें इसमें तारुफ़ करवाया गया है कि इसमें कौन था और वो क्या करते थे और वो कैसे थे. ठीक है, फिर है वाक्या. इस हिस्से में कहानी में बयान किया जाने वाला वाक्या दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है. एक दिन खरगोश ने इतराते हुए कछुए को दावत दी. कछुए मियाँ, दौड़ का मुकाबला करोगे मेरे साथ? अब देखें सबसे पहले उनके बारे में बताया गया कि वो कौन थे, वो क्या करते थे और उनकी खूबियाँ क्या थीं, और उसके बाद आपको वाक्या बताया गया कि इस कहानी में हो क्या रहा था. ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर है अंजाम. ये कहानी का आखिरी हिस्सा होता है, इसमें कहानी का हासिल सामने आ जाता है. मसलन, अपने अंजाम से खरगोश ने ये सबक सीखा कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है. ठीक है, अब कहानी लिखने के तरीके. कहानी लिखने के कई तरीके हैं. सबसे पहले इशाराती कहानी लिखना सीखिए. इस तरीके में कहानी का खाका और इशारात दिए जाते हैं. इनकी मदद से कहानी के 3 हिस्सों का ख्याल रखकर कहानी मुकम्मल की जाती है. ठीक है, अब आप क्योंकि अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, इसीलिए आपको सबसे आसान तरीके से कहानी लिखना सिखाई जा रही है. इसके और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इशाराती कहानी लिखवाना से लिखना सिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ इशारे दिए होंगे जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे और आपको कहानी लिखने में आसानी होगी. लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो अपने जहन से ख़ुद भी कहानियाँ लिख सकते हैं. ठीक है, और आपने वो कोशिश भी ज़रूर करनी है. लेकिन जैसा कि आपको इस किताब में दिया हुआ है, सबसे पहले आपने इसकी मदद से एक कहानी बनानी है. ठीक है, इन इशारात की मदद से कहानी लिखिए.
अब ये देखें आपको कुछ इशारात दिए हुए, जुमले प्रॉपर नहीं बने हुए और उनके बारे में ज़्यादा तफसीलात से नहीं बताया गया, लेकिन आपको इशारे दिए हुए जिससे आप कहानी बनाने में आसानी होगी। उमर और दानिश दो दोस्त, एक साथ स्कूल जाना, एक दिन स्कूल से वापसी पर पीले पीले अमरूद देखकर, माली के कुत्ते का भौंकना, वालिदैन से शिकायत, आइंदा ऐसी हरकत से तौबा, एक ही गांव के रहने वाले, रास्ते में अमरूदों का बाग। अच्छा, मैंने सीक्वेंस थोड़ा वो कर लिया है। आपने उमर और दानिश दो दोस्त, एक ही गांव के रहने वाले, एक साथ स्कूल जाना, रास्ते में अमरूदों का बाग, एक दिन स्कूल से वापसी पर बाग के माली का नज़र ना आना, पीले पीले अमरूद देखकर दोनों का दरख्त पर चढ़ जाना, माली के कुत्ते का भौंकना, माली का डंडा लेकर आना, वालिदैन से शिकायत, दोनों को सज़ा मिलना, आइंदा ऐसी हरकतों से तौबा और बुरे काम का बुरा अंजाम। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कैसे आप क्या कहानी बनाएंगे और उसका क्या नतीजा आप निकालेंगे। ठीक है, नतीजा है बुरे काम का बुरा अंजाम। तो आपने इसी इशारात की मदद से कहानी अपनी कॉपी पे लिखनी है। ठीक है, आपने प्रॉपर तारीख लिखनी है, ऊपर दिन लिखना है, मौजू लिखना है और उसके बाद आपने कहानी लिखना शुरू करनी है। ठीक है, और आपने इशारात की मदद से कहानी लिखनी है। और इसके अलावा बुरे काम का बुरे अंजाम से अगर आपके जहन में खुद से कोई कहानी बन रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।